वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा। आज यूपी के अलीगढ़ में एक बड़ी रैली करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 2 बजे नुमाइश मैदान में जनसभा होगी प्रधानमंत्री मोदी की। इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिए आज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंडाल सज चुका है और दोपहर 2 बजे के करीब इसी मैदान में जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इलाके में नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित कर लिया गया है। सुरक्षा के लिए आज से कड़े इंतजाम किए गए। एक बार फिर से गरजते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों में। इसके अलावा मिशन साउथ, मिशन नॉर्थ ईस्ट पर लगातार फोकस भारतीय जनता पार्टी का। और राजस्थान में कल गरजते हुए नजर आए थे। और आज की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज क्या कुछ कहते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए देश हित में, उसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह पर जाकर फिलहाल कर रहे हैं। और अब की बार यूपी के अलीगढ़ में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी की। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे के करीब, क्या तैयारियां, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह? चुनावी दौरा है, बेहद खास है। खास करके अगर मैं बात करूं कि जिस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अगर बात करें तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की एक पूरी कवायद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की चुनावी सभा करते हैं, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जो 13 पूरा जो बेल्ट पड़ता है सीटों का, उस पर एक बड़ा असर पड़ता है। अगर अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ के जो सांसद है सतीश गौतम, उनको टिकट है। वहीं हाथरस से में 6 विधायक थे और योगी सरकार में मंत्री रेणु प्रधान, उनको हाथरस से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि तैयारियों की मैं बात करूं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। और नुमाइश मैदान में ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए आसपास के जिलों से भी जो फोर्स है उसको मंगाया गया है। और पूरे उस रूट पे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कार्यक्रम स्थल तक, पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:50 पर हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचेंगे और 2 बजे से 2:40 तक उनका पूरा एक संबोधन होगा 40 मिनट का। लेकिन इस बीच आज की इस पूरे कार्यक्रम के बीच में अगर हम देखें तो आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर की मैं बात करूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती का भी कार्यक्रम है, वो भी सभा को संबोधित कर रही हैं। तो इस तरीके का आज ये चुनावी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, आगरा में वो मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हम बसपा सुप्रीमो की बात करें, क्योंकि पूरे चुनाव में अगर हम बसपा को देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं। आज वो बुलंदशहर में भी एक सभा को संबोधित करेंगी। अब बिल्कुल देखिए, कार्यक्रम स्थल पर नो फ्लाइंग जोन यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जरा ये भी बताएं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ बड़ा सेंसिटिव एरिया भी सिक्योरिटी के लिहाज से मान करके हमेशा एसपीडी चलती है। और अगर हम देखें इन हिस्सों में नो फ्लाइंग जोन, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, एसपीडी क्योंकि अप्रूव सुरक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नो फ्लाइंग जोन एरिया उसको घोषित कर ही दिया जाता है। अगर हम बात करें कोई भी उड़ने वाले गुब्बारे, आजकल चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होते हैं, तमाम ऐसी चीजें बिल्कुल उनको प्रतिबंधित किया गया है प्रधानमंत्री के इस जनसभा में। कोई किसी प्रकार की फोटो या छाता तस्वीर लेकर जैसे कि आप बता रहे थे कि आज प्रधानमंत्री तो अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री आगरा में रहेंगे, इसके अलावा बसपा सुप्रीमो का बुलंदशहर का दौरा है, तो क्या कुल मिलाकर के इस वक्त पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से या फिर विपक्ष के लिहाज से? अब बिल्कुल देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, क्योंकि अगर हम एक लिहाज से देखें उत्तर प्रदेश को तो ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान समुदाय के लोग हैं, जाट बहुल लोग हैं, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जितना भी ध्यान था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तरफ दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो किसान है और जाट है, अगर बीजेपी से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो उनको साधने की जो पूरी कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जो इस तरीके की सभाएं होंगी उसके माध्यम से करेंगे। और हमने पहले भी देखा है
जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस जाए, अलीगढ़ जाए, तो इस तरीके की जब जनसभा होती है उसकी पूरी तैयारी की जाती है। हालांकि देखिए जिस तरीके का मौसम है और मौसम का मिजाज है उसको देखते हुए सभा स्थल पर लगातार पानी से छिड़काव किया जा रहा है, जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और ये ताकि रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। हालांकि इस तरीके की जो जनसभा है उसमें पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा, अलीगढ़ में मुस्लिम बहुल मतलब वहां मुस्लिम वोटर्स भी बहुत तादाद में हैं, उनको भी साधने की जो कवायद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम ने किया अमित शाह का स्वागत। कांकेर में अमित शाह आज रैली भी करेंगे, सुबह 10:30 बजे कांकेर में रैली गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। प्रभारियों, संयोजकों और सह संयोजकों के साथ बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में आप देखिए वहां पर उनका स्वागत किया गया लेकिन प्रभारियों, संयोजकों और सह संयोजकों के साथ भी बैठक गृह मंत्री करेंगे। और आप देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ग्राउंड स्तर पर काम करती है और बाकायदा जो संयोजक होते हैं या फिर जो प्रभारी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम कामों से खुश हैं या फिर क्या बदलाव होने चाहिए। और ये माना जा रहा है कि जब गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है, रैली भले ही वो करें लेकिन साथ ही साथ फीडबैक भी ज़रूर मिलेंगे। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ की धरती से आज हुंकार भरने वाले हैं। बिलासपुर के लोरमी में सुबह 10:45 पर नड्डा की रैली प्रस्तावित है। दुर्ग के भिलाई में दोपहर के 12:30 बजे जेपी नड्डा की रैली होगी। रायपुर के चंद्रखोरी में भी दोपहर के 2 बजे जेपी नड्डा रैली करने वाले हैं। 3 लोकसभा की सीटें जिसमें राजनांदगांव, इसके अलावा कांकेर और बिलासपुर की सीट शामिल है, जिस पर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिलासपुर के लोरमी में यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दुर्ग के भिलाई में जेपी नड्डा की सभा होने वाली है, राजनांदगांव संसदीय सीट। और इसको लेकर के हमने देखा कि बीते दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी धरा से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में, आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सियाचिन दौरा, सशस्त्र बलों के जवानों के साथ आज बातचीत करेंगे राजनाथ सिंह और सियाचिन दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सियाचिन के दौरे को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने एक्स पर ये पूरी जानकारी शेयर की है। आपको ये भी जानकारी देते चले, याद होगा आपको कि होली के अवसर पर राजनाथ सिंह का सियाचिन दौरा था और वहां पर वो पहुंचकर सैनिकों के साथ त्यौहार मनाने का उनका कार्यक्रम था लेकिन खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी से आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। फतेहपुर सीकरी के किरावली में जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दोपहर 12:35 का वक्त होगा, रामवीर खेल मैदान में एक बड़ी जनसभा जब करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर तैयारियां फिलहाल पूरी है। आगरा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा करेंगे। फतेहपुर सीकरी की किरावली में भी एक बड़ी जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है और उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बन रहा है, इसका जिक्र बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ तो करते ही हैं लेकिन आज की अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी किरावली में और इसके अलावा आगरा में भी उनकी एक बड़ी जनसभा जिसको लेकर हो चुकी है तैयारियां पूरी और 12:35 का वो वक्त होगा। तो वही देखिए, अगर यूपी की बात करें तो मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी मौजूद रहेंगे। मनसा देवी मंदिर से बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आपने रामायण में अरुण गोविल क्योंकि राम का, प्रभु श्री राम का किरदार निभाते थे और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले भी आज आपको रोड शो में नजर आएंगे। यानी कि तब जिन्होंने साथ दिया वो आज भी साथ देते हुए नजर आएंगे और जनता में जो उनकी छवि है, जो प्यार है, वो हर कोई जानता है। एक बार फिर से इन तीनों की जोड़ी साथ नजर आएगी जब रोड शो अरुण गोविल करेंगे। तो मेरठ में राम के लिए वोट मांगेंगे सीता और लक्ष्मण, रामायण की टीम
का ये रोड शो शहर भर में ये घूमेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि हाल ही में जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये जोड़ी आपको अयोध्या की सड़कों पर नजर आई थी। हालांकि तब मौका कुछ और था, लेकिन इस बार मौका कुछ और है। अब मेरठ में अपने राम के लिए यानी कि अरुण गोविल के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले दीपक चुखलिया और सुनील लहरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध वहां पर किए गए हैं। मनसा देवी मंदिर से बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो होगा और इस वक्त आप देखेंगे पश्चिमी यूपी पर खास तौर पर फोकस है, और क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल को, और अरुण गोविल ने इस बात का जिक्र भी कई बार किया है कि वो क्योंकि यहीं से आते हैं तो उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो यहां से चुनाव लड़े, और आज उनके लिए जनसमर्थन की अपील करते हुए ये दोनों एक्टर्स नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि पीएम खुद यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। यूपी के मुख्यमंत्री का कई मर्तबा कार्यक्रम हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे थे, और अब खबर ये है कि रामायण में जिन लोगों ने ये भूमिका सीता और लक्ष्मण के तौर पर निभाई थी, आज वो मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। रोड शो वहां पर होने वाला है मनसा देवी मंदिर से बीजेपी कार्यालय तक, और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया गया था। अरुण गोविल के लिए उन्होंने जनता से वोट की अपील की थी, और उस वक्त भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से अरुण गोविल को वहां की जनता पसंद करती है। वो भी उस अग्रम देखें इस वजह से क्योंकि राम मंदिर निर्माण, और जैसे कि अभी प्रिया ने जिक्र किया था कि वहां पर भी हमने देखा था कि अरुण गोविल वहां पर पहुंचे थे, दीपिका उनके साथ वहां पर पहुंची थी, वो तस्वीरें सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हुई। और जिस तरीके से राम लहर, और क्योंकि भावनात्मक तौर पर लोग जुड़े हैं, और उन्होंने देखिए वो खुद बताते हैं कि कई बार जब वो एयरपोर्ट में भी जाते थे तो लोग उन्हें राम समझकर उनके पैर छू लेते थे, तो यानी कि वो जो अटैचमेंट है वो लोग महसूस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में आतंक पर NIA का एक्शन, कश्मीर घाटी में NIA की छापेमारी, बड़ी खबर, कई जगहों पर चल रही NIA की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में NIA की छापेमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि लगातार घाटी में कार्रवाई करते हुए, और अब खबर ये कि टेरर फंडिंग के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की गई है, टीम का गठन किया गया, और इसके बाद कई जगहों पर इस वक्त दबिश दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर ये करारा प्रहार है, और इससे पहले भी कई अरेस्टिंग आपने देखी, और अब घाटी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। टेरर फंडिंग को लेकर के कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। हालांकि क्या हासिल हुआ है, क्या डिटेल्स, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पर बरामद हुए हैं, इसको लेकर के फिलहाल आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी सामने आएगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कई जगहों पर इस वक्त घाटी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची है, और इस वक्त कार्रवाई जारी है टेरर फंडिंग मामला। इससे पहले भी पूर्व में कई सारे ऐसे ऑपरेशन की तस्वीरें भी हमने देखी है जहां पर NIA ने अलग अलग जगहों पर घाटी में दबिश थी, और अब एक बार फिर से आज की ये जो बड़ी बात है वो ये कि कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, इस पूरे कार्रवाई को लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स है? आतंक पर ही करारा प्रहार, कई जगहों पर टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। तजम्मुल, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापामारी है, इसमें वो टेरर फंडिंग, वो टेरर नेटवर्क्स को खत्म करना है जो जम्मू कश्मीर में नौजवानों को उकसा रहे थे, इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और सिचुएशन को बिगाड़ने का काम करते थे। क्योंकि ऑल आउट वन, ऑल आउट टू ऑपरेशन करने के बाद मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हुए कामयाबी के साथ, लेकिन उसके बाद ग्राउंड लेवल पर अब इससे खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इनके तार जो है किस तरह से किन लोगों के साथ जुड़े थे। और अभी अभी जो श्रीनगर और दूसरे इलाकों में NIA की छापामारी चल रही है, इसमें बताया जाता है कि NIA की टीम ने श्रीनगर में मुजम्मिल शफी खान, वालिद मोहम्मद शफी खान और कलमदान पोरा नवाबाजार श्रीनगर, जिनकी एज 25 बरस बताई जाती है, एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, उनके घर पे छापा मारा है। और भी कई एक जगहों पे छापामारी जारी है जिसमें NIA के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का कॉन्टिजेंट मौजूद है, और देखने की कोशिश की जा रही है कि टेरर फंडिंग में और सेपरेटिज्म को और जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन को और लोगों को वर्गलाने उकसाने के लिए अगर कोई नेटवर्क काम करता था उसको ग्राउंड से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी तक तजम्मुल कोई अरेस्टिंग की भी खबर सामने आई है या फिर क्या कुछ बरामद हुआ है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन हमने पूर्व में भी देखा है NIA की तरफ से?
ना कि छापामारी में अभी तक चूंकि मोबाइल डिवाइसेस, गैजेट्स, लैपटॉप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो भी हैं, डिजिटल चीजें जो है उन्हें जब्त किया ही जाता है, लेकिन उसके बाद इसका चालान पेश किया जाता है और कुछ वक्त के बाद जब कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा उस वक्त गिरफ्तार हुए हूं या गिरफ्तार किए जा रहे हूं। ज्यादातर केसों में हमने देखा कि गिरफ्तारियां कम हुई हूं, बल्कि घर में मुख्तलिफ चीजों को खंगाला गया हो, जिसमें किताबें, स्टेशनरी, पोस्टर्स वगैरह का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर में बैठ बैठ कर कोई इस तरह का नेटवर्क चला रहे हो, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जो जो इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को, रेड्स वगैरह को आगे बढ़ते देखा जाएगा तो शायद गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सैयद तजमुल। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंक पर करारा प्रहार और NIA इस वक्त कई जगहों पर दे रही है दबिश। बढ़ते खबरों में आके प्रत्यक्ष कर की प्रोविजनल आंकड़े जारी और प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़ा, यह सरकारी अनुमान से 7.4% ज्यादा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे जहां प्रत्यक्ष कर की प्रोविजनल आंकड़े जारी करते गए महिमा। अमर उजाला में बताया गया प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए, अब रकम बजट अनुमान से 1.35 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2023-24 की अगर हम बात करें तो सालाना आधार पर 17.7% अब बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये रकम पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान से 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमान से 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने 2023-24 के बजट में 18.23 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 19.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखिए विदेशी निवेशक फिर बिकवाल, इस महीने निकाले 5,254 करोड़ रुपए, इस हफ्ते गिर सकता है सेंसेक्स, ये जानकारी मिल रही है। विदेशी निवेशक कर रहे हैं शेयरों की बिकवाली, तो ये खबर आपको लगातार बता रहे, लेकिन खेल जगत से जुड़ी हुई खबर जरूर मिल रही है। IPL के रोमांचक मुकाबले की जानकारी आपको देते हैं, आखिरी गेंद में हमने देखा कल कमाल, KKR फिलहाल जीत गई, लेकिन सबसे बड़ी बात RCB काफी अच्छा खेलते हुए नजर आई थी। कल डबल हेडर मैच थे, एक तरफ KKR वर्सेज RCB, दूसरी गुजरात टाइटन्स का पंजाब किंग्स का मैच था। लेकिन बात हम अभी करें KKR वर्सेज RCB और लगातार छठा मैच RCB जो है वो हारते हुए नजर आ रही है। जीत के साथ KKR की अब टॉप 2 में फिलहाल एंट्री हो चुकी है। अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उनमें से हम देख पा रहे हैं कि कोलकाता 7 मैचों में 5वीं बार जीती है, और जबकि RCB अपना 6ठा मैच हार चुकी है। और पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पर RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, और नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और अब दूसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल आ चुकी है। तो वहीं पंजाब की लगातार 4थी हार हुई है, आपको बता दें कि गुजरात ने 3 विकेट से हराया है, किशोर ने की है शानदार गेंदबाजी। इसके अलावा देखिए क्योंकि जो पूरा खेल सेगमेंट है उसमें तमाम क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें सामने आती हैं, और जैसे कि अभी पूरी जानकारी आपको महिमा विस्तार से दे भी रही थी, आगे भी बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की भी करेंगे। हमारी सेना का ग्लोबल फुटप्रिंट, दरअसल US की 3 सैन्य कमांड में होंगे भारतीय सेना की प्रतिनिधि, और क्योंकि एक तरफ हम क्रिकेट की भी बात करें लेकिन दूसरी तरफ देखिए अगर सेना की भी बात करें, और ये जो खबर है बाकायदा न्यूज़पेपर में ये छपी है, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब हमारी सेना का ग्लोबल फुटप्रिंट होगा। आपको बता दें कि US की 3 सैन्य कमांड में भारतीय सेना के प्रतिनिधि होंगे, कर्नल रैंक के ये अमेरिकी सैन्य कमांड में रहेंगे, और ऐसे में ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली साझा कर पाएंगे, इसके अलावा जो क्षमता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि एक बहुत ही बड़ी खबर ये हिंदुस्तान के तौर पर भी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते, गर्मी शुरू होते ही खाली हो जाते थे गांव, लद्दाख के 200 गांव खाली हो जाते थे, आइस स्तूप ने पानी का संकट खत्म कर दिया, फिर इन्हें बसाया गया। तो देखिए अभी क्योंकि गर्मी कितनी ज़्यादा भीषण है आप तो तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाँव के गाँव खाली हो जाया करते थे क्योंकि पानी की किल्लत होने लगती थी। अगर हम लद्दाख के लिहाज से बात करें तो एक वक्त वो भी था जब 200 गाँव खाली हो जाते थे, उसके बाद आइस स्तूप से यहाँ पर पानी का जो संकट हुआ वो दूर हुआ, फिर लोगों को बसाया गया, और अब जो सूरत हाल है उसमें लोग गर्मी में भी उस जगह को खाली नहीं करते, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति होती थी कि पानी की वहाँ पर कमी होती थी, इसी कारण लोग अपने अपने घरों को छोड़ देते थे, लेकिन उसके बाद इनको बसाने का काम फिर से शुरू किया गया। बढ़ेंगे खबरों में आगे, राजस्थान की बात करेंगे। दरअसल राजस्थान में वोट वैल्यू सबसे कम, हर सीट पर औसतन 21.40 लाख वोटर, और ये देश में सर्वाधिक है।
तो देखिए राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान में वोट वैल्यू सबसे कम, हर सीट पर औसतन 21.40 लाख वोटर हैं और ये देश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। फिलहाल बड़ी राहत लोगों को मिली, कल से 4-5 दिन पारा जो है वो 3 डिग्री तक चढ़ेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। जयपुर बीकानेर में आज बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी जानकारी मिल रही है। अमर उजाला की फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन, मौसम की गुगली, पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश, 13 मैदानी राज्यों में पारा जो है 42 पार। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत आज सुबह मिलते हुए नजर आई थी दिल्ली एनसीआर में, जब सुबह के समय हमने देखा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन पहाड़ों की बात करें तो लगातार लाहौल स्पीति, आपका उत्तराखंड का जो ऊपरी इलाके हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर लगातार स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल की वजह से फिलहाल ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वी भारत समेत देश के विभिन्न भागों में अगले 5 दिन ऐसे मौसम रहने का फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। 5 राज्य फिलहाल लू की चपेट में है और काफ़ी ज़्यादा इन राज्यों में जो गर्मी बढ़ रही है, पारा बताया गया 42 डिग्री पार, मैदानों में गर्मी, पहाड़ों पर ठंड, सब हेडलाइन। पूर्वी भारत में 44 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंचता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आने वाला है। बिल्कुल सही कहा महिमा आपने, क्योंकि आज तमाम न्यूज़पेपरों में इस बात का जिक्र है। और देखिए देश के 50% जिलों में हो सकता है जल संकट, 2050 तक ये जल संकट खड़ा हो सकता है। भारत में दुनिया की 17% आबादी है और ऐसे में पानी सिर्फ 4%, 75% लोगों को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त पानी, और 2050 तक हालात और ज़्यादा भयंकर हो जाएंगे, और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे जब पानी की जो समस्या है लोगों के सामने खड़ी होगी। इसीलिए देखिए, क्योंकि बेंगलुरु की तो जो बाकायदा तस्वीर सामने आई थी उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया था कि किस तरीके के हालात हो गए हैं। आपने देखा था कि वहाँ पर लोग जो बल्कि रिहायशी बिल्डिंगों में रहते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में रहते थे, वो ये कह रहे थे कि इस तरह के हालात हो गए हैं। कुछ लोग मॉल में जा रहे थे सुबह कि पानी वहां पर मिल जाए, ऐसे हालात। लेकिन 2050 तक अगर हमने पानी संरक्षण नहीं किया, जल संरक्षण नहीं किया, तो फिर जो हालात हैं वो भयावह होंगे। और यही कारण है कि जल है तो कल है या फिर जल है तो जीवन है, ऐसे नारे गढ़े जाते हैं, हम लोगों को समझना होगा। और देखिए प्रिया, बकायदा क्योंकि देश विदेश के ही सेगमेंट में ये वाली भी खबर छपी है कि देश के 50% जिलों में 2050 तक गंभीर जल संकट हो सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, 75% भारतीयों को अभी भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि तमाम चुनौतियाँ हैं और इस पर अभी से काम करना शुरू किया जा रहा है कि आगे हालात ऐसे ना खड़े हो जाए। आगे बढ़ेंगे प्रतापगढ़ की बात, माँ बेटी ने एक साथ दीक्षा ली है, 11 साल की सारा अब गीतार्थ रत्ना बनी है, सबसे कम उम्र की सन्यासिनी बनी है। उनके साथ उनकी माँ ने भी दीक्षा ली और ऐसी तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, इससे पूर्व में भी, और लोग इसको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर भी करते हैं, लोग अपनी अपनी राय भी रखते हैं। अब यहाँ पर आए कि 11 साल की जो सारा हैं अब उन्होंने दीक्षा ले लिया, वो गीतार्थ रत्ना बन चुके हैं। साथ ही साथ उनकी माँ भी यहाँ पर दीक्षा लेते हुए नजर आई थी, लेकिन सारा की चर्चा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो सबसे कम उम्र की सन्यासिनी हो गई हैं। और क्योंकि ये तपस्या का भाव होता है, सन्यासिनी की राह पर, सन्यास की राह पर जाना, यानी कि जो बाकी जो संसारिक सुख है आप इसका एक तरीके से त्याग कर देते हैं, और उसी पथ पर ये दोनों माँ बेटी निकल गई हैं।